जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे कल 15 मई को बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कहाँ हमें पैसा बनाने का मौका लगेगा। देखिए, आज का जो मौसम दिखाई दिया है मार्केट में वो एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है, और डोजी फॉर्मेशन जब भी होता है मार्केट में तो इसका मतलब है कि बायर और सेलर लगभग सेम है, और ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाता है। हुआ क्या था इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए, बी और सी कैंडल्स की। हम तीन कैंडल को हाईलाइट कर रहे हैं। जो ए कैंडल है, इस कैंडल को बोलते हैं इनवर्टेड हैमर। इनवर्टेड हैमर बोलते हैं इस कैंडल को, और ये नीड्स कन्फर्मेशन। और इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो होता है कि अगले दिन की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो हमें जो बी पे दिखाई दिया है वो कन्फर्मेशन दिखाई दिया है। बी की जो कैंडल है वो कंफर्म कर दी, और कंफर्म उसने कह दिया कि मार्केट हाँ यहाँ से लौट सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जो तीनों कैंडल मिलके बन रही हैं, कौन कौन सी तीन कैंडल? पहली रेड कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर और फिर ग्रीन कैंडल। इन तीनों कैंडल को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, और इसके अंदर जो थर्ड कैंडल होती है, अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ में आए, थर्ड कैंडल विद हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, तो ये बहुत अच्छी खबर होती है। पर प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि थर्ड कैंडल का लोवेस्ट लो है, ये बिहेव करेगा एज अ सपोर्ट, जो कि कंडीशंस होती हैं। बट मैं आपको एक पॉइंट और दे सकता हूँ सपोर्ट के लिए, जिसके बाद मार्केट नहीं लौटता है जनरली, और ये पॉइंट निकल के आएगा लगभग आपका 47,700 के आसपास का। इसके ऊपर अगर हमें फ्यूचर दिखाई देता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, और ये तीन कैंडल का पैटर्न भी इस बात को बताता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। बट सवाल उठता है कि हम ट्रेड लें तो लें कैसे। देखिए, मार्केट में कल एक्सपायरी वाले दिन आपको ये जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो एक लेवल हो सकता है कि अगर मार्केट किसी वजह से इस रेड कैंडल पे आता है, मतलब 47,700 के आसपास आता है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं बैंक के पॉइंट्स की भी बात करूँगा, और वहाँ से लौटने की कोशिश करता है, देन आप एंट्री कर सकते हैं, और एसएल आपका हो जाएगा कितना, यही 47,700। सवाल उठता है कि सर हम 47,700 पे कैसे एंट्री करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन द मनी कॉल्स पे एंट्री करिए। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में एक डोजी का फॉर्म हुआ है। इसका मतलब है कि जनरली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और बायर्स और सेलर्स इक्वल हो चुके हैं। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है इसमें तो कल एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। जनरली ऐसा होता है कि अगर डोजी का फॉर्मेशन पहले दिन हो गया है तो अगले दिन एक्सपायरी पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन द मनी कॉल ट्रेड करेंगे तो भले ही आपको मूव छोटे मिलेंगे बट आपका लॉस भी कम होगा, आप प्रीमियम में नहीं फंसेंगे। तो कोशिश कीजिए कि स्मॉल मूव्स पकड़ने के लिए इन द मनी ट्रेड कीजिए, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम का लॉस जो बेवजह का होता है वो नहीं होगा, और हो सकता है अल्टीमेट आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा उसके अंदर। एक पॉसिबिलिटी सपोर्ट की निकल के आ रही है। अब सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं हमें एक अच्छा खासा बूम मिल गया और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे है लगभग 48,400, क्योंकि इस पॉइंट पे हैवी सप्लाई देखने को मिली थी, तब तक हो सकता है मार्केट यहाँ से लौटे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर अभी भी शॉर्ट वाले बैठे होंगे तो वो हो सकता है अभी भी एग्जिट नहीं करेंगे पोजीशंस को, और मार्केट वहाँ से वापस लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये भी एक चांसेस हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें कल एक शार्प और लॉन्ग कैंडल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो होने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों ने भी अब तक शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, मतलब मार्केट को गिराने की पोजीशन बनाई थी, कॉल को सेल किया था,
वो अब कॉल को बाई करेंगे और यहां से मार्केट एक शूट आउट होगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो कल ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि 600 से 800 पॉइंट्स के मूवमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आज हमें डोजी का फॉर्म हुआ है और डोजी का फॉर्मेशन मतलब हो गया बायर सेलर इक्वल है। ठीक है, तो कुछ ये लेवल्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार हम फिर से आपके सामने समराइज कर देते हैं। पहला कौन सा लेवल आएगा? पहला हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है 47,700। दिस बिहेव लाइक अ सपोर्ट। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आएगा लगभग 48,400 का लेवल। अब चलिए देखते हैं मार्केट पॉइंट्स के हिसाब से हमें कहाँ क्या देखने को मिल सकता है। मार्केट में भी आप देखेंगे तो ये तीन कैंडल मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन कर रही हैं और मॉर्निंग स्टार का लोवेस्ट लो बन जाएगा आपका बेसिकली सपोर्ट। और अगर हम बात करें कल इंस्टेंट सपोर्ट की, तो कल का जो इंस्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आज का लो निकल के आ रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे एक गैप क्रिएटेड है। इस गैप को बोलेंगे बेरिश गैप, और जब तक ये बेरिश गैप जिंदा है तब तक मार्केट ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। जैसे ही ये बेरिश गैप फुलफिल होता है तो इसके ऊपर मार्केट निकल के इस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, आप तुरंत एंट्री बनाइए और आपका जो एसएल हो जाएगा वो गैप हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बात याद रखिए, कभी भी बिना एसएल के, ठीक है, एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अगर आप मार्केट में खेलने उतरे हैं, कोई भी गेम खेलने उतरे हैं, आप बोर्ड हो जाते हैं तो आप लड़ेंगे नहीं वहां पे, आप चुपचाप बैट उठाएंगे पवेलियन की ओर जाएंगे। आई बात समझ में? फिर ये नहीं होता है कि क्यों मैं आउट नहीं हुआ, ठीक है, नो बॉल थी, ये था वो था, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो जब एसएल हिट हो जाए, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां भी मैं जो ट्रेड लेता हूं मैं वो शेयर कर देता हूं। आज मैंने एक ट्रेड ली थी निफ्टी में, मेरे को लग रहा था निफ्टी रेजिस्टेंस पे है और वहां से लौट जाएगा, इस वजह से मैंने एक ट्रेड ली थी, बट मेरा एसएल हिट हो गया था। वो मैंने लिया था लगभग आई थिंक 214 पे लिया था और एसएल लगाया था मैंने 190 का, लगभग 14 पॉइंट का एसएल था और मेरे टारगेट थे लगभग 300 तक के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बुलिंजर बैंड के लोअर पे ट्रेड कर रहा था और मार्केट आज कंसोलिडेट करेगा। बट निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, बट अभी भी निफ्टी थोड़ा सा वीक है अगर वो 22,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो। तो ये कुछ लेवल्स है बैंक निफ्टी में जो कल हमें याद रखने होंगे। अगर इन लेवल्स को हम दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली कल मार्केट में हमारा पैसा बनेगा।